दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और एक दूसरे के खिलाफ पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर चुनाव में देरी का आरोप लगाया है। सोमवार को सिविक सेंटर में हंगामे के चलते मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया था। दरअसल एमसीडी की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने सोमवार को कहा था कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और आप के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद एमसीडी सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।